बात करिए स्टॉक ऑफ द डे ની એટલે કે ટાટા મોટર્સ ની. ટાટા મોટર્સ ના સ્ટોક માં આજે જોરદાર તેજી જોવા મળી છે અને આ તેજી પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી કંપની TPG સાથે 7500 કરોડ ની ડીલ બાદ જોવા મળી રહી છે. TPG ટાટા મોટર્સ ની ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ સબસિડિયરી માં 7500 કરોડ રૂપિયા નું રોકાણ કરશે અને આ ડીલ પર કંપની ના CFO PB બાલાજી, પ્રાઇવેટ વ્હીકલ બિઝનેસ ના પ્રેસિડેન્ટ શૈલેશ ચંદ્રા અને TPG ના બિઝનેસ યુનિટ પાર્ટનર અંકુર થડાની સાથે વાતચીત કરી હતી. આવો જોઈએ. पहले आई मीन इसका दिस होल थिंग विल कम इन टू ट्रांचेस. पहले ट्रांच आएगा मार्च के पहले जहां 3750 करोड़ आएगा. उसके पहले हमको कंपनी शुरुआत करना है तो उसको इनकॉर्पोरेट करना है. हम 700 करोड़ से ये महीने इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. वो करने के बाद पहला 3750 करोड़ आएगा मार्च क्वार्टर में. वो होने के बाद पूरा IT सिस्टम्स हमारा बदलना पड़ेगा. जो EV कंपनी जो नया बन रही है उसमें हमारा सेल्स बुक करने के लिए वो लगेगा और 6 महीना और लगेगा उसके बाद. सो समवेयर बिटवीन सितंबर टू दिसंबर वो बाकी जो 3750 करोड़ है वो आएगा. अगले 5 साल में मैं बिल्कुल देखता हूं कि ये डबल डिजिट पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में अचीव होने की काफी संभावना है. जहां तक टाटा मोटर्स की बात है, 5% हम लोग इस साल के अंत तक कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की, और अगले 5 साल में हम 20% से ज़्यादा पेनिट्रेशन की पूरी उम्मीद रखते हैं. अगर हम 10 साल का अंतराल अगर देखें तो इन 10 सालों में जैसा गवर्नमेंट ने 30% पेनिट्रेशन का एक विजन रखा है, मैं सोचता हूँ कि ये अचीव करना मुश्किल नहीं होगा. इस इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी जो यूज़ है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएगा. नई तकनीक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने में जाएगा. लोकलाइजेशन करने में इसको इसकी दिशा होगी. हमारा प्लान ये है कि अगर जो हमने अपना एम्बिशन रखा है, एस्पिरेशन रखा है, उसमें अगर किसी तरह की सहायता, अगर निवेश की सहायता अगर इन कंपनीज को चाहिए होगी तो हम लोग पार्टिसिपेट करने की दिशा में सोचेंगे